जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार। मैं सावित्री यादव अपन के स्वागत करता हूँ अपन यूट्यूब चैनल सीजी सावित्री कुकिंग एंड ब्लॉग माँ संगवारी हो। सबसे पहली मोर सबो संगवारी मतलब करवा चौथ के बहुत बहुत बधाई हो। आज ब्लॉग होते संगवारी हो करवा चौथ स्पेशल। अपन पूरा ब्लॉग देखो, बहुत सुंदर ब्लॉग है। हमन कैसे करते हैं पूजा अपन तरीका से, आप मतलब पूरा चीज देखे पर मिली। मोर सहेली में सब मिले रहते, आप मतलब मोर सहेली मन के वीडियो भी दू और देख सकते हो संगवारी हो। 8:30-9 के बीच हो गए है अभी समय। तो मैं अभी ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, कबर की हमारे तरफ पूरा बदली है, पानी गिरी की संभावना है। तो पता नहीं के बजे ही चांद सब तो बहुत इंतजार कर रहा था वन। और एक बात संगवारी हो, हमने टीवी में देखा था वन कि चांद के बजे आते ला, लेकिन दूसरा शहर डहान निकल चुके हैं चांद, पूजा पाठ शुरू हो गए और हमारे राजनांदगांव में अभी चांद नहीं आए, कबर की बदली है। तो पूरा ब्लॉग ला देखो संगवारी हो, बहुत बढ़िया ब्लॉग है, बहुत सुंदर ब्लॉग है करवा चौथ के। और देख सकते हो हमें सब तैयार हो गए, चांद के इंतजार कर रहा था वन। बहुत बढ़िया से देखो मोबाइल में पूछना होते इधर उधर से। अभी मैं पूजा पाठ की तैयारी कर चुके संगवारी हूँ, ताप मतलब मैं पूजा स्थल के दर्शन करवाता हूँ और आप मतलब करवा माता के दर्शन करवाऊ। चलो अपन कंटिन्यू बने रहो ब्लॉक में, ब्लॉक ला पूरा देखो संगवारी हो, लगे रहो ब्लॉक में। देखो संगवारी हो, मोर संगवारी आए मोला करवा चौथ के बधाई दे बर। करवा चौथ के बहुत बहुत बधाई आप मन ला सब झन ला। तो देखो अभी हम सब जन मिल के करतन पूजा, अमर अपन अपन घर में करतन, लेकिन सब मिले बर जाता एक दूसरा घर, फोटो वोटो खींचातन। तो आप मतलब फोटो स्क्रीन में मिली, तो देख सकते हो मोर सहेली आये, एक नाम है लक्ष्मी। तो चलो ब्लॉक में बने रहो और ब्लॉक ला कंटिन्यू देखो। बोलो करवा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। चलो संगवारी हो, मैं करो तो पूजा पाठ शुरू। सबसे पहली हमन करबो धरती माता के पूजा, देकर धरती माता के मैं जल से स्नान कराऊ, ओकर बाद डालू में मैं पीला चावल धरती माता के, ओकर बाद चढ़ाबो में फूल, फूल चढ़ाने संगवारी हो, फूल चढ़ा ले, ओकर बाद लगाबो धरती माता ला टीका, ओकर बाद जस्ट हम एक पूजा करबो करवा भगवान करवा बर, जो करवा लेन ओकर तेला भी वही पानी चढ़ाबो, ओकर बाद में चढ़ाबो चावल पीला चावल, पीला चावल के बाद में भी फूल चढ़ाबो करा, ओकर बाद में लगाबो टीका। तो ये सजे सुझा करवा संगवारी हो, एवे बने स्वास्तिक तो मैं नहीं बनाओ, अगर अपन कर सिंपल हुई तो अपन जरूर से बनाऊ और स्वास्तिक बना के ही पूजा करते। मैं भी टीका लगा चुके हूँ, एक बाद मैं करू एक जहाँ अग्नि पूजा के थाली होकर पूजा कर ले तो मैं तैमे भी वही तरीका से पीला चावल चढ़ाऊ, ओकर बाद चढ़ाऊ इमें भी मैं फूल और ओकर बाद भी इमें मैं टीका करूँ काली के और ओकर बाद करूँ हमारा करवा माता के पूजा। तो सबसे पहले मैं करवा माता ना स्नान करूँ, जय करवा माता जय लक्ष्मी माता। तो स्नान हो गए संगवारी हो, अब ओकर बाद करो तो मैं टीका माता रानी के, ओकर बाद एक लक्ष्मी है विष्णु जी है और देख सकते हो शंकर पार्वती है, सबके में इसे टीका लगा देना है और ओकर बाद में मैं चढ़ाता हूँ पीला चावल जय करवा माता। और ओकर बाद चढ़ा रहे संगवारी हो फूल, देखो फूल ये फूल अमर बेटा ला है पूरा दशमत के फूल लेके आए, तो यहाँ पे मैं चढ़ाता हूँ फूल। तो अब यहाँ पे हो गई पूजा करवा माता के, ओकर बाद एक मैं सही फल ले रही हूँ, देख सकते हो एक सही फल है, तैला भी जल से छिड़क के इसे, कभी भी आप मन नारियल चढ़ा दो ना तो एक बार जल से छिड़क ले करो जल। ओकर बाद में पीला चावल है और ओकर बाद लेकर के फूल, सब ला इसे रख के इसे करवा माता ला या कोई भी भगवान है कोई भी पूजा में आप मन एक चढ़ा दो, ये चढ़ाए के सही तरीका है नारियल चढ़ाए के। तो एक हो गए नारियल चढ़ गए, अब मैं चढ़ाऊ संगवारी हूँ माता रानी के सिंगार, एक चूड़ी बिंदी नेल पेंट और बिंदी है सब चीज यहाँ पे हाथ में ले लेना है और ये में भी ऐसे जल छिड़क लेना है, टीका लगा लेना है इसे चूड़ी में, उसके बाद पीला चावल ले लेना है, पीला चावल के बाद हमें लेना है फूल, अवेला हम चढ़ा लेना है करवा माता ला। एक जगह नहीं हुआ थे तेला में यहाँ पर सज दो जय करवा माता सुहाग चढ़ेगे और उसके बाद संगवारी हो एक होगी पूजा पाठ। तो सबसे पहले मैं माता रानी ला भोग लगा देता हूँ, मैं भोग लगाता हूँ, भोग ला देखो संगवारी हो एक साथ पकड़ लियो थाली में सब भोग ला, ओकर बाद एमें भी जल छिड़क लेना है ऐसे जल ला घुमा लेना है, ओकर बाद करवा माता ला इसे छुपा लेना है जय करवा माता और ही लाई करा रख लेना इसे चढ़ गए साथ देखो मोर चलनी है
और ये थाली मैं कर चलनी के भी पूजा कर लेता हूँ जल चढ़ के थालियों करवा माता हमें भी। और देखो यहाँ पे भी फूल चढ़ा ले गए हैं और यहाँ पे टिक्की लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे भी टिक्की लगाऊ आप करो संगवारी हो मैं यहाँ आती सब चीज चढ़ा उड़ा ले हूँ। बाद मैं यहाँ कथा कहाँ कहूँ आप ले चलू मैं अकेला कथा नहीं पढ़ो मैं जाऊँ भाभी जी के घर कथा पढ़े बार। तो चलो अब मैं कर लेता हूँ आरती आप ले रहो बंद करो ना। बड़ी मम्मी घर बोलो करवा माता की जय लक्ष्मी माता की जय शंकर पार्वती भगवान की जय दुर्गा मैया की बोलो दुर्गा। शिव से पूछा था जिसे सुनकर महादेव जी ने पार्वती से करक चतुर्थी व्रत की महिमा बताते हुए कहा प्राचीन समय में स्वर्ग से भी रमणीय इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण अपने परम तेजस्वी सात पुत्रों व एक सर्व गुण संपन्न पुत्री वीरावती के साथ निवास करता था। वेद शर्मा ने अपनी पुत्री व सभी पुत्रों का विवाह उत्तम व योग्य ब्राह्मण कुल में किया। शादी के बाद जब उसकी पुत्री कार्तिक मास की चतुर्थी को आई तब उसने अपनी सभी भाभियों के साथ करक चतुर्थी व्रत किया। व्रत के दिन निर्जला व्रत कर बट के वृक्ष में महादेव गणेश कार्तिकेय व गौरी लिख कर ये चांद तुम्हारे लिए निकला है हमारा के देखो पूजा पाठ बहुत सुंदर सुंदर करवाला है सच के तैयार है। बोलू बाद में लक्ष्मी ने करना जाकर आग लग छोटी सी गुड़िया लगाई छोटी सी गुड़िया एक भाई बट वृक्ष पर हाथ में चलनी का दीपक लेकर चढ़ गया तभी उस चंद्रोदय हो गया है। चलो अब चंद्रमा को अध्याय दे दो। देखो संगवारी हो मोर सहेली आए मोर से मिले बार हमन रोड़े मिला था काबर की चांद की इंतजार करते करते यही खड़े हैं अभी तक चांद नहीं आए। तो चलो ये आप मतलब बधाई देना चाहते सुनो आप सभी दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपन ब्लॉग चैनल के नाम बता प्रिया ब्लॉग 95 में अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो। ए अभी यूट्यूबर है संगवारी हो एक ब्लॉग के चैनल है दो तीन चैनल है एक शॉर्ट वीडियो के भी चैनल है तब पूरा चैनल देखो ये बताइस ना प्रिया ब्लॉग 95 ये कर चैनल के नाम है। चलो अब मैं सब सहेली एक साथ आपस से मिलवाता हूँ लगे रहो वीडियो में।